नमस्कार दोस्तों, यंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। एंड्रियो सिंह जी का सवाल है, पी ओडियो सी 18000V2 एंड पी ओडियो पी 182-242 व्हिच वन इज बेस्ट बेस फॉर लाइव साउंड। यानी ये दोनों स्पीकर, पी ओडियो के दोनों स्पीकर हैं, तो मैं आपको बता दिखा देता हूँ दोनों स्पीकर। यही है पी ओडियो की चैलेंजर सीरीज सी 18000V2 और दूसरा जो मॉडल है पी सीरीज का, जो कि है पी 182-242। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो सीरीज है दोनों अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, किसको आप लाइव के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको मिलेगा वो चीज़, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस वीडियो में बने रही है, पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से और अपना खुद का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं जो लोग ये सीरीज चलाते हैं, चैलेंजर सीरीज और दूसरा जो है हमने बताया कि पी सीरीज, ये दोनों जिन लोग चलाते हैं वो भी अपना जो भी कमेंट है वो भी बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर सबसे हमको ज्ञान मिल सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बस आपको बताता रहूँगा और आप चुपचाप बस वीडियो देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। सबको सबसे हर किसी का एक्सपीरियंस हमको जानना जरूरी है। किसी का पॉजिटिव हो सकता है कि ज़्यादा लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो, किसी को नेगेटिव रेस्पॉन्स हो, तो हर चीज़ क्या प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम अगर मिल बांट के हम लोग बात करेंगे तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं क्या इन दोनों में डिफरेंस है, पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। पी ऑडियो सी 18 तो 18 यानी 18 इंच की है और ये डेफिनेटली बेस के लिए है। अब देखिए, सी 18 और 1000V2 जो है, सी 18 1000V2 और पी 182-242 में जो पहला बड़ा अंतर है वो है पावर रेटिंग का। तो ये पी 182-242 1000W का है, AES की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और ये 1500W AES की है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इसीलिए ये दोनों में कंपैरिजन करना एक तरह से गलत ही कहा जाएगा। क्यों गलत कहा जाएगा, क्योंकि दोनों सेम पावर रेटिंग की नहीं है। कोई भी बोल सकता है कि चैलेंजर सीरीज 1500W डेफिनेटली बहुत मस्त चलेगा और अच्छा भी है, चैलेंजर सीरीज है भाई। सी 18 1000V2 अच्छा चलेगा, जबरदस्त चलेगा, अच्छी बजेगी। अब चलिए दोनों में, अब बोल तो दिए हैं तो चलिए देखते हैं इस दोनों में क्या आपको अच्छा लगेगा। दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे तो ये देखिए, पहले फीचर्स के बात कर लेते हैं। फीचर्स में आपको देखिए, ये 4.5 इंच का लार्ज वॉयस कॉयल है, 6000W की पीक हैंडलिंग है, एक्टिव बैलेंस कूलिंग है। तो ये इसको भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे 3.9 इंच की लार्ज फॉर्मेट है, यहाँ पे 4.5 इंच है, यहाँ पे 3.9 इंच, डेफिनेटली क्योंकि ये 1000W का है तो छोटा ही रहेगा। ये 4000W की पीक है जबकि ये 6000W की पीक है, ये 1500W की है इसलिए 6000W की है, 6000W पीक पावर हैंडलिंग है, क्योंकि ये अगर इसको आप 6000W देंगे तो ये जल जाएगा, सीधी सी बात है, 6000W के ऊपर देंगे तो ये जल जाएगा और इसको आप 4000W से ज़्यादा देंगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए इसका जो रेटिंग है वो 1000W है। इसमें अगर आपने 1200W 1300W या 1400W का लोड दिया तो ज़बरदस्त पंच इसमें आएगा, 20% ज़्यादा आपने किया तो इसमें ज़्यादा पंच आएगा। तो 1000W में ये भी अच्छा है और ये 1500W में अच्छा है। अगर आपने दोनों 1500W की बताया होता तो शायद मैं आपको बोलता कि हाँ ये अच्छा है ये ख़राब है, लेकिन ये दोनों पी सीरीज की, पी ए जो होता है ना, मतलब आप पी ऑडियो की जितने भी मैक्सिमम के बेस जो होती है बहुत अच्छी रहती है। मैंने बहुत यूज किया है, चैलेंजर सीरीज भी यूज किया है, ये 1500W बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। इसको आप एक JBL की स्पीकर, JBL की कैबिनेट पे लगाइए, ज़बरदस्त पंच होगा और आपकी DJ अच्छी बनेगी ये 1500W की। और 1500W के लीजिए और एम्पलीफायर आप अगर हो, घर का एम्पलीफायर है इंडियन मेड चाहिए तो आप स्टूडियो मास्टर का ले सकते हो, और अगर आपको बाहर का चाहिए तो आप थोड़ा सस्ता चाहिए तो NX ऑडियो ले सकते हो। MT सीरीज ज़बरदस्त रहेगा, MT आप लोड के हिसाब से 1500W 8 ओम पे, यानी दोनों आप 1600 की यूज़ कर सकते हैं शायद इसमें, और उसमें आपको थोड़ा कम लगेगा। आप DJ सीरीज यूज कर सकते हो 1000W में, या तो PA सीरीज भी यूज कर सकते हो 1000W में, तो या इसमें भी यूज कर सकते हो, तो स्टूडियो मास्टर की।
तो ये थी पूरी, आप जैसे कि हमने बात किया। दोस्तों अब आते हैं प्राइस पॉइंट पे, जो कि मैंने पहले भी बताया था, मैंने प्राइस में आपको दिखाऊंगा एक कॉमन प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। C18 जो 1000 V2 है वो 15,434 रुपये में आता है, और ये इसको हमने बोला था कि ये 1500 वाट का है। और दूसरा जो है आप देख सकते हैं P18 2242 13,735 रुपये में आता है। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैलेंजर सीरीज़ के साथ जाइए, और बहुत ही अच्छा है ये, अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। 1000 वाट में ये अच्छा है, 1500 वाट में ये बहुत ही अच्छा है चैलेंजर सीरीज। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप चैलेंजर ये वाला C18 1000 V2 ही लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और फ्रीक्वेंसी रेंज तो आपने बता दिया था 30 से 200 हर्ट्ज, यानी बेस बहुत ज़बरदस्त आएगा। मैग्नेट तो फेराइट है, एल्युमिनियम चेसिस है, और क्या बताएं, ये दोनों वही सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कास्ट एल्युमिनियम चेसिस है और फेराइट मैग्नेट है, वही सेम है, आप देख सकते हैं। तो वही आपको मटेरियल, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कॉपर एयर, तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है। तो आप 1500 वाट में चाहिए तो इसको ले सकते हैं, 1000 वाट में चाहिए तो दूसरा आप ले सकते हो, है ना। तो मेरे ख्याल से आप अगर लेना चाहते हैं तो 1500 वाट का ही लीजिए, क्योंकि उसमें 2-3 हज़ार में आपको ये मिल जा रहा है। हाँ, अगर 1500 वाट का लेते हैं तो उसी हिसाब से एम्पलीफायर आपको कॉस्टली भी आएगा, तो वो भी थोड़ा ध्यान पर रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको भी कुछ जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, मैंने तो इसको यूज किया है, और आप लोग भी इसको यूज किए हैं और आपको लगता है इन दोनों में आपको किस में ज़्यादा पंच मिलता है, वो कमेंट में उस पर लिख सकते हैं। और आपकी कमेंट की मुझे ज़्यादा जो इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के काम करें, और जितने भी प्रॉब्लम आता है हम लोग बात करें, कमेंट में भी आपकी जो प्रॉब्लम आती है हम लोग बात करेंगे, और दूसरे किसी का भी प्रॉब्लम से हमको सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि जो मतलब अपने आपका जब खुद का प्रॉब्लम होगा उससे सीखने से अच्छा है दूसरे की प्रॉब्लम से आप सीख अगर ले लेते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। तो ये एक फैमिली बनना चाहिए, ताकि डीजे का फैमिली हर किसी एक दूसरे को मदद करना चाहिए। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखिए कि आपको जो भी हम बता रहे हैं, कहीं पर अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं सर ये अगर होता तो और भी अच्छा होता, या भैया ये अगर मैंने चैलेंजर सीरीज हम लोग ने यूज किया है और ऐसा आउटपुट है 1500 वाट में इतना हमको अच्छा पंच मिलता है, और सॉरी और एक चीज़ बताइए कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं, आप अगर ये यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं, और कौन सा कैबिनेट यूज कर रहे हैं, और कौन सा एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो ताकि जो दूसरे भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि हाँ ये जो सीरीज है 1500 वाट लोग ऐसे ऐसे एम्पलीफायर पर चला रहे हैं, और आउट पंच कैसा आ रहा है, वो भी आप डिटेल में बताइए, ताकि सबको मदद हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो नए देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वही बोलूँगा, स्वच्छ भारत।